हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के जॉब के बारे में। दोस्तों, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वैकेंसी है, दोस्तों चूज करेंगे इसमें। इसका अप्लाई डेट कब है, लास्ट डेट कब है, इसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। दोस्तों, इसमें हमारा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे FCI कहते हैं। इसमें दोस्तों कैटेगरी है FCI मैनेजर की है। कैटेगरी सेकेंड रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म इसमें आया है। दोस्तों है इसमें है FCI मैनेजर के लिए है। दोस्तों, ये 2022 कैटेगरी सेकंड शॉर्ट डिटेल इसमें दिया गया है। दोस्तों, उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सरकारी रिजल्ट पर आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि ये एप्लीकेशन बिगिन जो हुआ, दोस्तों एप्लीकेशन जो प्रारंभ हुआ है इसमें अप्लाई के लिए, वो दोस्तों 27/8/2022 को प्रारंभ हुआ है। 27/8/2022 को प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, इसका लास्ट डेट है 26/9/2022। इसका लास्ट डेट है दोस्तों 26/9/2022। यहाँ देख सकते हैं हम दोस्तों लास्ट डेट पे एग्ज़ाम इसमें, दोस्तों जो लास्ट डेट इसका है फीस पेमेंट करने का, वो दोस्तों है 26/9/2022। 26/9/2022 को इसका लास्ट डेट से दोस्तों पेमेंट करने का, जो ऑनलाइन चालान जमा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एडमिट कार्ड अवेलेबल नोटिफाइड। दोस्तों, इसमें एडमिट कार्ड शीघ्र यहाँ दिखाया जाएगा कब डाउनलोड किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि एप्लीकेशन फ़ीस कितना है। जनरल के लिए, OBC के लिए, SC ST PH के लिए, EWS के लिए फ़ीस कितनी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसमें हमारा जनरल, OBC, EWS के लिए इसमें 800 रुपया निर्धारित किया गया है। SC ST और PH के लिए दोस्तों ये फ्री है। SC ST PH वालों के लिए फ्री है, ऑल कैटेगरी फीमेल। जनरल, OBC, EWS के लिए दोस्तों 800 रुपया इस फॉर्म का ऑनलाइन फीस है, जो चालान जमा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, SC ST और PH के लिए 0 रुपया है, इसमें कोई पेमेंट नहीं लगेगा। और दोस्तों ऑल कैटेगरी की फीमेल चाहे जनरल, OBC, EWS, SC ST PH की हो, उनके लिए इसका पेमेंट जो है 0 है। दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो इसमें चालान जमा होगा वो किसके थ्रू जमा होगा। तो दोस्तों, इसमें है पेड एग्जामिनेशन फ्री थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान। इसमें दोस्तों जो चालान जमा होगा तो दोस्तों हो जाएगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। दोस्तों, कि इसमें एज रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हैं FCI मैनेजर कैटेगरी सेकंड 2022। इसमें एज लिमिट एज 1/8/2022 को आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। आपकी एज मिनिमम एज इसमें दोस्तों है 18 ईयर्स, मिनिमम एज 18 ईयर्स, और मैक्सिमम एज इसमें दिया है दोस्तों 35 ईयर्स। दोस्तों, इस फॉर्म को वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो और अधिकतम आयु 35 वर्ष हो। नेक्स्ट दोस्तों है मैक्सिमम एज 28 ईयर्स फॉर ऑल पोस्ट। इसमें जो दोस्तों पोस्ट दी गई है उसमें अधिकतम 28 ईयर्स के लोग मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हैं एज रिलैक्सेशन स्ट्रा एज पर FCI मैनेजर जो है दोस्तों, इस पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं इसमें पोस्ट कितना है। FCI मैनेजर रिक्रूटमेंट 2022 वैकेंसी डिटेल, टोटल 113 पोस्ट इसमें है। दोस्तों ये हमारा पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट की संख्या आ गई। FCI मैनेजर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी, इसमें दोस्तों क्या इसमें क्वालिफिकेशन लगे उसके लिए दोस्तों, तो इसमें दोस्तों है मैनेजर जनरल मैनेजर के लिए दोस्तों 19 पोस्ट टोटल। इसमें क्वालिफिकेशन दोस्तों है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद मिनिमम 60% मार्क। इसमें दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपको, ग्रेजुएशन होना है किसी भी स्ट्रीम से हो आप, किसी भी सब्जेक्ट से, और उसमें 60% मार्क होना अनिवार्य है। SC ST के लिए दोस्तों 55% मार्क होना अनिवार्य है। नेक्स्ट दोस्तों है मैनेजर डिपोर्ट के लिए 15 पोस्ट है दोस्तों।
उसमें भी यही एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट है दोस्तों मैनेजर मूवमेंट। मैनेजर मूवमेंट के लिए दोस्तों है टोटल 6 पोस्ट है, उसमें भी यही एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट दोस्तों है दोस्तों एग्रीकल्चर के बारे में अभी डिस्कस किया गया था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो दोस्तों इसमें बात आती है मैनेजर टेक्निकल की। मैनेजर टेक्निकल, टेक्निकल मैनेजर के लिए दोस्तों इसमें यह दिया गया है, टेक्निकल मैनेजर के लिए दोस्तों टोटल इसमें 28 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर की डिमांड किया गया है, या बीटेक हो फूड साइंस से, बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल हो या बीटेक साइंस से, फूड साइंस से आपका बीटेक होना अनिवार्य है। फिर है फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, इसमें से आपके पास कोई एक डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों इसमें देखते हैं मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों इसमें 6 पोस्ट टोटल दिया गया है, टोटल दोस्तों इसमें 6 पोस्ट दिया गया है। इसके लिए बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों, इसमें बीटेक डिग्री की डिमांड की गई है, रिक्वायरमेंट इसमें दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं इसमें मैनेजर हिंदी के लिए है दोस्तों, मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी के साथ इंग्लिश भी होना, सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। नेक्स्ट दोस्तों इसमें है, इसमें दोस्तों एफसीआई मैनेजर रिक्रूटमेंट जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स में दोस्तों किस जोन में कितनी वैकेंसी उसके लिए यहाँ डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं एफसीआई मैनेजर रिक्रूटमेंट जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स इसमें दिया गया है दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें यहाँ जनरल के लिए दोस्तों है नॉर्थ जोन में 1 पोस्ट, ईस्ट जोन के लिए 1 पोस्ट दोस्तों, वेस्ट जोन के लिए 3 पोस्ट, साउथ जोन के लिए दोस्तों 5 और नॉर्थ ईस्ट के लिए दोस्तों इसमें 9 पोस्ट टोटल दिए गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसमें पोस्ट वाइज ये पूरा डिवाइड किया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं अच्छे से और समझ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है इसमें फूड कॉरपोरेशन एफसीआई जोन वाइज स्टेट डिटेल्स इसमें दिया गया है दोस्तों। नॉर्थ जोन में दोस्तों इसमें है, नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड इसमें दोस्तों है। नेक्स्ट दोस्तों है इसमें यहाँ पर साउथ जोन में दोस्तों, साउथ जोन में यहाँ डिवाइड किया गया है, ईस्ट जोन में और वेस्ट जोन में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें है, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू।